हेलो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ई स्पोर्ट्स न्यूज से रिलेटेड। पहली न्यूज ऑब्वियसली पबजी मोबाइल से रिलेटेड है। जैसा आप लोगों को पता होगा, अगर मैं ब्रीफली सबको समझाऊं, पबजी पहले बैन हुई, फिर अनबैन होने की काफी ज्यादा स्पेकुलेशन एंड ऑल ये सब आने लगे। उसके बाद में पता चला कि कोई कंपनी उसके साथ में मर्ज हो रही है, टेंसेंट हट गई, उसके बाद में दूसरी कंपनीज इंडिया के अंदर मर्ज हो रही है एंड ऑल। फिर पता चला माइक्रोसॉफ्ट आ गई, फिर पता चला कोई और कंपनी आ गई एंड ऑल। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके स्पेकुलेशन करते 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 आज जाकर ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट भी आ गई थी कि पबजी दिवाली पे आने वाली है। उसके बाद में तुम लोगों ने देखा होगा दिवाली पे लॉन्च वो नहीं हुई, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल ये सब आ गई, उसके बाद भी पबजी नहीं आई। गवर्नमेंट के कोई इश्यू हो गए थे इस चीज के ऊपर, बट आप ये सारे के सारे इशू हट चुके हैं और जो कंपनी है बेसिकली पबजी की, वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर हो चुकी है। ये बात पूरी की पूरी कंफर्म्ड है। सो अब ये सारी के सारी बातें कही जा रही हैं कि अब पबजी कुछ ही टाइम बाद, मतलब ऑलमोस्ट शायद इन अ वीक के सारी के सारी एक ऑफिशियल रिलीज हो जाएगा। और समझ गए होगे बात को कि अब पूरा का पूरा प्रॉपर एक ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। इसी के साथ में तुम लोगों को पता होगा एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज, मतलब एक टूर्नामेंट बोल सकते हैं, टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज हो रहा है इसके जैसे ही लॉन्च होगी, जो 6 करोड़ रुपए के प्राइस पूल का होगा। मतलब जो काफी ज्यादा लोग लॉकडाउन के अंदर बेचारे परेशान हो गए थे जब ये बैन हो गई थी एंड ऑल, उनको वापस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि अपने स्किल्स एंड ऑल इन सबसे अपने आप को प्रूव करने का और एक अच्छा अमाउंट ऑब्वियसली कमाने का इस चीज के अंदर एज अ प्राइस पूल। तो काफी ज्यादा अच्छी बात है इस चीज के अंदर। और ये बात मैं बंदों को बोलूंगा जिन जिन लोगों को ऑब्वियसली पबजी पसंद है और जो लोग पबजी खेलना चाहते हैं वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना, और जब भी मेरे को पता चलेगा इस चीज के बारे में मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा इसके बारे में, ठीक है। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को ये 6 करोड़ वाले टूर्नामेंट मतलब सुनकर कैसा लगा, अपना रिएक्शन जरूर देना कमेंट्स के अंदर। उसके बाद दूसरी न्यूज ये है कि जो ऑक्सीजन ई स्पोर्ट्स है वो एंटर करने वाली है इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन के अंदर एज अ पबजी मोबाइल रोस्टर को लेके, जिसके अंदर जो पहला प्लेयर है जो कंफर्म किया गया है फनाटिक का रौनक, आपको पता ही होगा जो सोल के अंदर था पहले, वो बंदा इस चीज के अंदर कंफर्म कर दिया गया। बाकी ज्यादा जो भी रोस्टर बनेगा सबके बारे में आप लोगों को पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो ये चीज तो काफी टाइम से पहले से ही चलती आ रही है, पहले फनाटिक आई, अब विटालिटी भी आ चुकी है। आप लोगों को पता होगा काफी अच्छा अमाउंट वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। इसके अलावा इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन के अंदर और भी ज्यादा ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आई है बाहर से, तो काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है ई स्पोर्ट्स के अंदर। बिकॉज बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे ये ऑक्सीजन ई स्पोर्ट्स है, ये इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है पूरी की पूरी, तो वो आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो काफी ज्यादा बड़ी बात है इस चीज के अंदर। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर कोई और भी कहीं पर भी रोस्टर बन सकते हैं, बट वाई इंडिया, मतलब कुछ ना कुछ बात होगी यहाँ पर, और भी कोई भी रीजन हो सकते हैं, बट ये रीजन हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है बिकॉज इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन को थोड़ी लाइमलाइट मिलेगी और लोगों को पता चलेगा कि गेमिंग सिर्फ मतलब ऐसे बकचोदी के लिए नहीं होती, गेमिंग से आप एक अच्छा करियर भी बना सकते हो। सो क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन, इससे तो आप समझ ही गए होंगे, वो अपने आप को ई-स्पोर्ट सीन के अंदर एक तरीके से मान सकते हो लॉन्च कर रहे हैं एक मोबाइल गेम का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके, जिसका नाम है फ्री फायर। काफी ज्यादा लोगों ने सुना होगा फ्री फायर के बारे में, और मतलब छोटा मोटा नहीं, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख का नहीं, 50 लाख रुपए का एक टूर्नामेंट होने वाला है फ्री फायर का। मतलब मैं तो शॉक हो गया था कि मतलब भाई, मतलब एकदम से इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट का टूर्नामेंट करवाना बहुत बड़ी बात है। मतलब कि धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर लोगों को पता चल रहा है कि जो गेमिंग कल्चर है वो छोटा मोटा नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा है। ऑब्वियसली ये जल्दी नहीं है, ये काफी ज्यादा लेट हुआ है, बिकॉज बाहर वाले काफी ज्यादा ऊपर है हम लोगों से, लेकिन जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है इस चीज के अंदर भी। बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ई स्पोर्ट्स आगे जाता जा रहा है, अच्छा खासा एक प्राइस पूल आ रहा है जो काफी ज्यादा लोगों का अटेंशन लेगा, जिन्हें समझ आएगा कि अरे 50 लाख का टूर्नामेंट ऐसा क्या हो रहा है, तो उन लोगों को पता चलेगा, बताने के अंदर भी होगा कि अरे 50 लाख का टूर्नामेंट हो रहा है। और अभी मैंने जैसे पबजी का बताया 6 करोड़ का हो रहा है, ESL का भी भाई ऐसे ही करोड़ों के अंदर होता है, तो मतलब अच्छा लगता है सारा सारा बताने में और काफी ज्यादा लोगों का अटेंशन गेन करता है इस चीज के अंदर। उसके बाद ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा पबजी का जो ग्लोबल कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर 26 करोड़ का प्राइस पूल रखा गया है। पर सबसे ज्यादा सैड न्यूज ये है कि इंडिया और साउथ एशिया की टीम उसके अंदर कम्पीट नहीं कर पाएगी। इंडिया के अंदर ये गेम बैन हो गई थी, इंडिया में बैन होने के बाद में ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि ये जो टूर्नामेंट है ये फरवरी मार्च के टाइम पर ये टूर्नामेंट होगा, जब तक तो शायद हो सकता है इंडिया के अंदर ये अनबैन हो जाए, बट स्टिल उन लोगों ने बात बोल दी है, वो लोग इस चीज के ऊपर अभी कन्विंस हो चुके हैं। इस बार का जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें इंडिया और साउथ एशिया टीम नहीं पार्टिसिपेट करेगी, स्टिल अगर जो पबजी है वो अनबैन हो जाए फिर भी, तो ये काफी ज्यादा सैड चीज है। और उन लोगों ने कुछ सोच समझ के ही कोई ना कोई डिसीजन लिया होगा, बट ऑब्वियसली मुझे डिसीजन पसंद नहीं आया, बिकॉज इंडियन टीम्स में काफी ज्यादा कैपेबिलिटी है इवन पबजी के अंदर, बिकॉज काफी ज्यादा पबजी की टीम्स है हमारे इंडिया के अंदर,
अगर वो लोग पार्टिसिपेट करती तो हो सकता है शायद कोई ना कोई पोजीशन पे इंडिया की टीम आती और हो सकता है शायद फर्स्ट भी आ जाती, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज के अंदर। तो काफी ज्यादा सैड चीज है ये, और मे बी नेक्स्ट टाइम, अभी 26 करोड़ का प्राइस पूल है, हो सकता है अगली बार इससे ज्यादा डबल का हो सकता है 50 करोड़ का हो नेक्स्ट टाइम, तो हो भी कर सकते हैं हम लोग तो। और अभी भी जब अनबैन हो रही है गेम तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी खुल रही है धीरे धीरे करके, और हो सकता है आगे जाके और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल रहे। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले ESL इंडिया के बारे में। आप लोगों को पता होगा 1.15 करोड़ का जो टूर्नामेंट ESL इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा था, ESL प्रीमियरशिप, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, समर, फॉल और विंटर के अंदर। सो जो विंटर वाले थे, विंटर के अंदर तीन टाइटल्स थे बेसिकली, एक था CSGO का, एक था FIFA 20 का और एक था क्लैश ऑफ क्लैंस का। तो विंटर वालों का भी बेसिकली अनाउंसमेंट हो गई है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन कौन से विनर्स हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस इन सब विनर्स को। और ये जो बेसिकली जो विंटर का टूर्नामेंट था वो 34 लाख रुपीज का था, मतलब 34 लाख को इन तीनों टीम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। और जो समर, फॉल और विंटर था, ये तीनों के तीनों थे, ये 1.15 करोड़ के थे। सो इन तीनों को स्प्लिट करके इन जो भी टीम्स विनर थी, समर की जो विनर थी, फॉल की जो विनर थी और विंटर की जो विनर थी, उन सबको बांट दिया जाएगा पूरा का पूरा। सो इसी के साथ ही ESL का जो इस साल का एडिशन था वो खत्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ईयर, जितना मुझे लग रहा है, नेक्स्ट ईयर CSGO नहीं होगी, बिकॉज वैलोरेंट ने पूरी उसकी जगह ले ली है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो वैलोरेंट है उसने काफी ज्यादा ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंदर भी काफी ज्यादा नॉमिनेशन लिए हैं, और CSGO ने नहीं लिए इतने ज्यादा। CSGO काफी ज्यादा डाउनग्रेड पे जा रही है, काफी ज्यादा हो चुका है इस चीज का। वैलोरेंट पे काफी ज्यादा लोग स्विच कर रहे हैं, CSGO पे एज यूजुअल मैं बताता हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड ऑल ये सब कुछ हो रही है। सो नेक्स्ट ईयर होपफुली CSGO का हट जाएगा और वैलोरेंट की गेम एज अ कॉम्पिटिशन में एंटर करेगी। बाकी हम लोग देखते हैं, मैं तो अब भी होप करता हूँ डोटा या लीग्स ऑफ लेजेंड का भी टूर्नामेंट हो। इन लोगों ने एक मोबा गेम हटा दी, वो काफी ज्यादा बुरा लगा था मुझे, बट इनका मोबा गेम भी होनी चाहिए बिकॉज मोबा प्लेयर्स भी काफी ज्यादा हैं इंडिया के अंदर। ऑब्वियसली नहीं आ पा रहे वो सामने, बिकॉज टूर्नामेंट नहीं होंगे तो कहां से आप लोगों को दिखेंगे। तो वही चीज है कि मोबा प्लेयर्स भी काफी ज्यादा हैं इंडिया के अंदर, अच्छी अच्छी टीम्स हैं, और देखते हैं आगे जाके क्या होगा, और जो भी होगा मैं बता दूंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो इस चीज की, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करते हैं ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। मतलब काफी ज्यादा लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला था ई स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ एंड ऑल ये सब। अब देखो यार, मैं चाहता तो ई स्पोर्ट्स अवार्ड की एक वीडियो बनाता जिसमें मैं सबके नॉमिनेशन बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, विनर बता रहा हूँ, तालियां बजती रहती और कुछ नहीं। अगर हमारे इंडिया के अंदर इस टाइप के अवार्ड्स हुए तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा, और उसका भाई लाइव स्ट्रीम मैं खुद करूंगा अगर ऐसी चीज हुई तो, और पूरा का पूरा मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने इसलिए इस चीज के बारे में कुछ बताया नहीं, बाकी अगर मॉडल जीता तो काफी ज्यादा इंडिया का नाम रोशन होता, काफी ज्यादा हमें रिकॉग्निशन मिलती वर्ल्ड के अंदर कि स्ट्रीमर ऑफ द ईयर कौन है, अच्छा ये इंडियन प्लेयर, अच्छा इंडिया में भी खेला जाता है, धीरे धीरे करके मतलब नाम भी होता और चीजें भी होती। ऑब्वियसली नॉमिनेशन भी अच्छी बात है कि इतने टाइम बाद लोगों को पता चला कि भाई इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे अच्छे स्ट्रीमर्स हैं, और इंडिया में भी स्पोर्ट्स की ग्रोथ है, ठीक है। सो बस इतनी सी न्यूज़ है भाई अभी तक तो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, आप लोगों को पता है यार, बस ठोक दो पूरा का पूरा लाइक बटन पे भाई, चेयर वेयर मार दो, सब कुछ कर दो, सब्सक्राइब बटन तोड़ दो पूरा का पूरा कर करके, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा। सो बस टिल देन, प्ले व्हाटएवर गेम यू वांट एंड स्टे सेफ, बाय।